और जो लोग आज की डेट में बहुत सारे लोग यहाँ कमेंट करके भी बहुत ज्ञान देते हैं तमाम पत्रकार भी कि सरकारी नौकरी क्यों ही चाहिए, मतलब मुझे ये समझ में सरकारी नौकरी ये जो नेता विधायक एमएलए क्यों ही चाहिए, फिर हम खुद देश चला लेंगे, सब अपने अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, एक सिस्टम है ना देश चलाने के लिए सरकारी नौकरी की जरूरत है और हम वहाँ फिट बैठते हैं, हर आदमी का अपना स्किल है। तो लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए चले क्योंकि वहाँ काम नहीं करना पड़ता, अगर काम नहीं हो रहा तो देश ऐसे ही चल रहा है, नेता चला लेंगे देश जिनको एबीसीडी भी ठीक से नहीं आती, ब्यूरोक्रेट्स ही देश चला रहे और ब्यूरोक्रेट को असिस्ट करने के लिए बाकी की नौकरियां, तो देश तो ऐसे ही चलेगा जी। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन आदमी क्या करेगा जिसके पास ना संपत्ति है ना अपना खुद का मकान है, गांव में एक मढ़िया में वो रहता है, तो वो सरकारी नौकरी तो सोच सकता है, दिमाग से कम पैसों में सरकारी नौकरी मिल सकती है। आज अमूल की दुकान खोलने के लिए भी फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत है, क्या कर सकता है बंदा, लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनो, कैसे बनो, डलवाओ सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए, आदमी सोच लेगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो एंटरप्रेन्योर बनना भी इतना आसान नहीं है कि लोग कह देते हैं कि अरे चाय बेचो बहुत अच्छा बिजनेस है, हर आदमी अगर देश में चाय बेचेगा तो एक दूसरे के मुंह पे गर्म चाय फेंकते नजर आएंगे कि मेरा भी स्टॉल है फिर इसका भी स्टॉल है, पता चला आप खुद बताओ अगर लाइन से 1000 चाय की दुकान हो तो क्या होगा। तो ये जो जितने भी लोग ज्ञान देते हैं कि चाय खोल लो पकौड़े खोल लो, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फिर हम 8वीं के बाद ही कह सकते थे। तो जितने लोग ये ज्ञान दे रहे हैं वो हमसे आके बात करें, पता है अब तो आप हो जैसे मीडिया से कि आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, पिछले 6 या 7 साल में हमारे मीडिया ने भी इस चीज़ को नहीं उठाया जो ये इतनी ज्यादा बढ़ गई बात, अगर मीडिया ने भी इस चीज़ को ठीक तरीके से उठाया होता जी तो शायद ये यहाँ तक नौबत नहीं आती, किसी ने भी इसमें साथ नहीं दिया, सरकार को तो पता ही नहीं चली ये सब बातों से, उनको इतना मतलब भी नहीं है, तो क्रेडिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं मीडिया की भी कम हुई है कि आज मीडिया मुद्दा उठाती भी है तो सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, मतलब इसके लिए भी लगता है ऐसे कि एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए इस चीज के लिए भी कि सारे पेपर ठीक तरीके से हों। मान लेते हैं कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है तो नई सरकार उसको अपडेट करेगी, भाई ऐसा ना हो, ये देखिए तो सही अपडेट किया है, शिक्षा नीति को अपडेट करा है, हाँ शिक्षा, लेकिन अभी लागू नहीं हुई, तो लागू होने में इतना वक्त लग जाता है, ये अप्लाई नहीं कर पाते किसी चीज को, और जबकि ये कोविड जैसे महामारी में भी चुनाव ठीक तरीके से करा के एग्जीक्यूशन भी करा देते हैं, खैर अब तो वो भी ठीक तरीके से नहीं हो रहे जैसा पता लगता है, तो कुछ ठीक तरीके से होगा नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, बट हम लोग हिम्मत हारेंगे नहीं, मतलब जीतेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे अंत समय तक, और ठीक होगा एक दिन ये सिस्टम, मेरा ऐसा भरोसा है, मैं उम्मीद रखता हूँ हमेशा कि ये सिस्टम एक दिन ठीक होगा, राजनीति में भी कुछ लोग अच्छे आ रहे हैं जो इन चीजों को ठीक करेंगे, जैसे कौन, अब ऐसे तो मतलब कुछ लोग तो मुझे लगते हैं जो ठीक है जो इन चीजों पर बात करते हैं, बट हाँ एक दो लोग ठीक है, मतलब 20-30 साल हमारे पास कितना है भाई, 22 साल में बच्चा 21 साल में तैयारी करना शुरू करता है, उसके पास वही 3-4 साल होते हैं जिससे उसको बाकी की जिंदगी भी काटनी है, अगर आप उसको बीच में इतना टॉर्चर दे दोगे, ये एक तरीके से टॉर्चर ही है, और खुद मैंने भी चला, मैंने 2014 में SSC का एग्जाम दिया, बहुत अच्छी तैयारी की सब कुछ किया, और उसके बाद Tier 1 हो गया, Tier 2 हो गया, हम बहुत खुश थे, और Tier 3 मतलब इंटरव्यू होने वाला था उससे पहले पता चला कि एग्जाम लीक है, उसके बाद वो पूरा कैंसिल हुआ, फिर Tier 1 दो नंबर कम हो गए, फिर टीचर बना मैं तभी, तो वही है कि और इतनी दूर से आते हैं छात्र, मतलब एक जैसे आपने कहा दिल्ली से बिहार गए, वो अलग अलग स्टेट से आते हैं अपने स्टेट में पेपर देने के लिए, बहुत मतलब एफर्ट तो लगता है, वही इन्होंने किया हुआ है, आजकल सेंटर भी नजदीक नहीं देते, ये मतलब यही चाहते हैं कि बस नौकरी हम तो टॉर्चर करके देंगे तुम फिर भी ले सको तो ले लो, इनकी वो वाली स्थिति है कि मतलब इतना टॉर्चर दे देंगे कि बच्चा फिर आखिरी उम्मीद ही छोड़ देता है, कोई फॉर्म भरने के बाद नहीं जाता, आज हम देखते हैं कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन पेपर देने इतने ही गए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं 2-4 साल हो जाती हैं, कोई कहीं सेट हो जाता है, उतना पेशेंस रख पाना आसान तो नहीं है जी। आखिरी उम्मीद आपने कहा, कोई सरकार से आखिरी उम्मीद बची है, रह गई है कोई, नहीं अच्छे लोग आएंगे तो बदलेगा, ऐसा नहीं है, वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, तो ये लोग भी जीतेंगे एक दिन और अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हो पाए कुछ की उम्मीद टूट गई फिर अपने जीवन में, क्योंकि जितने भी लोग अच्छे हैं वो जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, यही कह सकते हैं, बाकी तो दुख ही है दिल में, आप देख ही रही हैं, आपके अंदर भी आ गया होगा कि लोग जब अपना दुख बताते हैं तो मैं तो एक एक बच्चे से पूछता हूँ, बट ये गलत है क्योंकि